Hello everyone, I'm Ankita Rai. In the previous class, we had discussed about the introduction of respiration in plants. और उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन वो तरीका होता है जिसके थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है होता है फूड मटेरियल्स का या ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स का इन अ सेल, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. फिर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो कि होता है, विच इज़ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन में या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम लोगों ने एक छोटी सी टॉपिक पढ़ी थी, एक इंट्रोडक्शन उसका लिया था, एंड दैट वॉज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, कि ग्लाइकोलिसिस क्या है एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये अकर करता है. सो प्रीवियस टर्न में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्लाइकोलिसिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें कि देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये एक ऐसा वाइडली अकरिंग प्रोसेस है जो सारे लिविंग सेल्स में अकर करता है, दैट टू इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स. So the topic is glycolysis, which basically means, glycose means glucose and lysis means splitting. All right. तो ये कैसा प्रोसेस है दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स. इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. यूनिक इसीलिए होता है, इट्स अ यूनिक पाथवे बिकॉज इट डजेंट इन्वॉल्व एनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. एंड दिस पाथवे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट, एंड दोज वर गुस्टव एम्डन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पैनर्स, एंड दैट्स वाई दिस पाथवे इज शॉर्टली टर्म्ड एज EMP पाथवे ऑल्सो. सो ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज टू रिलीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड. ना इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो वो पाइरूविक एसिड रिलीज करता है, एंड दैट पाइरूविक एसिड, द फेट ऑफ द पाइरूविक एसिड देन डिपेंड्स कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सो इफ द पाइरूविक एसिड विल गेट ऑक्सीजन तो इट विल एंटर इन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे, एंड इफ इट वोंट बी गेटिंग the oxygen presence, then it will enter into a separate pathway of anaerobic respiration. Now, इसमें जो glucose हमें मिलता है, since it's a process of partial oxidation of glucose, तो इसमें जो हमें glucose मिलता है, this glucose is actually obtained from sucrose. ये सुक्रोज से हमें ऑब्टेंड होता है, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड वो सुक्रोज क्या करता है, उस सुक्रोज का अल्टीमेट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज, एंड वो अल्टीमेटली ईल्ड करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को, एंड दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वो फिर अल्टीमेटली एंटर करते हैं इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में. तो अल्टीमेटली सुक्रोज जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, दैट अल्टीमेटली एंटर्स, दैट इज अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और यही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अल्टीमेटली एंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, और फिर आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक ऐसा पाथवे है विच इज़ एक्चुअली मल्टीपल एंजाइम मीडिएटेड स्टेप्स के थ्रू होता है, एंड देर आर सर्टेन स्टेप्स इन विच इट इज़ कम्प्लीटेड. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज स्टेप्स जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा पाथवे कम्प्लीट होता है, किस तरीके से हमारा पाइरूविक एसिड हमें अल्टीमेटली मिलता है. सो ये पूरा ग्लाइकोलिटिक पाथवे है जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज द एंड प्रोडक्ट हैज़ रिजल्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड. सो इट हैज़ रिजल्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, और ये ग्लूकोज से शुरू हुआ था. सो इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पाथवे, विल स्टार्ट विद ग्लूकोज. ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है. इट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन आई वुड से, और रादर आई वुड से ये फॉस्फोराइलेशन होता है. ग्लूकोज जो हमें मिला था सुक्रोज से, दैट इज़ अल्टीमेटली फॉस्फोराइलेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज टू
गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो यहाँ पर हमारा एटीपी वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज. नाउ उसके बाद दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिस एक्चुअली आइसोमराइजेस. इसका आइसोमराइजेशन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज गेट्स कन्वर्टेड और गेट्स फॉस्फोराइलेटेड इंटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एट दिस स्टेप ऑल्सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज. नाउ दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड. इट्स अ Now glucose is actually a 6 carbon molecule and this fructose 1,6 bisphosphate is also a 6 carbon molecule. Now this fructose 1,6 bisphosphate actually splits into 3 carbon molecules. ये 3-3 carbon molecules में split करते हैं. ये एक ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट में स्प्लिट करेगा विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ऑल्सो स्प्लिट्स इनटू डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच ऑल्सो इटसेल्फ इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. यानी इसी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. राइट सो यहाँ तक पूरी प्रोसेस जो होती है वो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तक बनती है. नाउ क्योंकि सिंस दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल सो दिस डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइजेज इट सेल्फ इंटू ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट. तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर आए फिर तो जहाँ पर हमारा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था अब जब ये आइसोमराइज कर लेगा अपने आप को ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट में तो मेरे पास जहाँ पर अब एक मॉलिक्यूल था ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट का नाउ इट विल बी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स. तो अब ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट के बिकॉज ऑफ द आइसोमराइजेशन प्रोसेस. नाउ दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और इसमें हमारा दो NADH रिलीज होता है. राइट नाउ 1,3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. नाउ एट दिस स्टेप ये इस स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू दो मॉलिक्यूल्स ATP की रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हमारा यूज हो रहा है सो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज ऑल्सो रिलीज. नाउ दिस ATP इज एक्चुअली रिलीज बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू रिलीज होता है विच इज दिस वन. Alright, now two molecules of 3-phosphoglycerate will ultimately get reduced to two molecules of 2-phosphoglycerate. Then it will get converted into two molecules of phosphoenol pyruvate. And with the help of enzyme pyruvate kinase, it ultimately gets converted into its respective final product, which is pyruvate or pyruvic acid. Alright, तो ये पूरा step है glycolysis का. इस पूरे steps में the one thing that is remarkable is कि सारे reactions reversible हैं except the 3 reactions जो कि irreversibly catalyze हो रहे हैं. One is this one which is hexokinase और उसमें जो enzyme involved हैं आपके one is the hexokinase enzyme जो कि glucose को glucose 6 phosphate में convert करा रहा है. The other irreversible reaction is that of fructose 6 phosphate जो कि with the help of enzyme phosphofructokinase gets converted into fructose 1,6 bisphosphate. और यहाँ पे लास्ट वाला जो रिएक्शन है विच इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेनॉल पायरुवेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज. सो ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. इस पूरे रिएक्शंस पूरा जो स्टेप है सारा का सारा स्टेप रिवर्सिबल है एक्सेप्ट द 3 एंजाइम्स जहाँ पर ये इन्वॉल्व हैं. तो 3 एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस के ऐसे एंजाइम्स होते हैं. ये 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इरिवर्सिबली कैटलाइज कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को या ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को. ऑलराइट तो इसमें हमने ये भी देखा कि इसमें जो नेट एनर्जी ईल्ड होती है जो नेट हमें प्रोडक्ट मिलेगा या जो हमें नेट रिजल्ट मिलता है इस पाथवे का वो हमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी का मिलता है जो कि यहाँ पे एंड 2 मॉलिक्यूल्स एनएडीएच का मिलता है. बिकॉज यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो जा रही है सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ या ये हमारे कोई यूज़ नहीं है. यहाँ पे थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्योंकि एटीपी हमारी रिलीज हो रही है सो द नेट एनर्जी ईल्ड ऑफ दिस पाथवे और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
ATP. Now the next thing is इस पूरे process में कहीं molecular oxygen का involvement नहीं है. The number of CO2 molecules जो भी इसमें release हो रहे हैं, CO2 molecules भी हम कहीं यहाँ पर release होता नहीं देख रहे हैं. Alright, so in the next lecture we will be discussing about certain key points of glycolysis. तो इसमें आपका ये key points, आपका इसी सारे reactions का, irreversible reactions में कौन से enzyme involved हैं, वो सारा इसमें include हो जाएगा. And then we'll be dealing with the further process कि फिर ultimately pyruvic acid का fate क्या होता है. Pyruvic acid glycolysis के process के through बन तो गया, but what is the ultimate fate of pyruvic acid, this we will be discussing in the next lecture. And we'll also be discussing about certain key points of glycolysis. Thank